देखिए, पिछले वीडियो में वॉइस में हमने आपको बताया पास्ट इंडिफिनिट टेंस की अफर्मेटिव और निगेटिव की वॉइस कैसे करते हैं। आज उसी के आगे बढ़ाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे की जाती है। इंट्रोगेटिव, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के तीन टेंसों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे की जाती है। तो वॉइस का सबका वही तरीका होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब से चेंज होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के हैं, ये तो पता है। एक वे जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तथा दूसरे वे जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो हमें वॉइस में भी उसी तरह करना है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो हमें भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करना है, और यदि सेंटेंस की शुरुआत हमारी क्वेश्चन वर्ड से है तो हमें भी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करना है। तो जैसे देखते हैं कैसे बनता है। पहले मान लीजिए वो देखते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो देखिए, पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस टेंस का। तो देखिए, स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कर्म को हम कर्ता बनाएंगे, प्लस अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी कर्ता को कर्म बनाएंगे, और लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा किसका, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी उसका। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगी रहेगी, डिड से हमसे कोई मतलब नहीं है। नया जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें वाज या वेयर लगाना है। जैसे देखते हैं जैसे कैसे करेंगे इनको, जैसे देखा जाए। जैसे लिखा डिड सी नॉट टेल ए लाई, डिड सी नॉट टेल ए लाई, इसे हमें चेंज करना है। शुरुआत कहाँ से, डिड से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो हमें भी शुरुआत कहाँ से करना है, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना क्या है, वाज या वेयर में से एक को लगाना है, लेकिन लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, नए जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एलाई, एलाई को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए मन में सब्जेक्ट बना के देख लेंगे कि सिंगुलर बनेगा या प्लूरल। तो ए लगा है ऑलरेडी, तो एल आई है, सिंगुलर बनेगा, तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। तो ये हो गया वाज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ए लाई, वाज ए लाई। अब से ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट है सी, तो सी हमारा प्रोनाउन है। इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी सिर का ऑब्जेक्टिव केस हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। तो इसे जब चेंज करेंगे, इसकी भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो इसे भी वैसे ही करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के देख लेंगे सिंगुलर बनेगा या प्लूरल। तो योर लेसन है, योर लेसन सिंगुलर बनेगा, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, वाज से, वाज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, योर लेसन, वाज योर लेसन, निगेटिव है। नॉट लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, बाई प्री पोजिशन का यूज करेंगे, बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू। ये हो गया। अब आगे जैसे देखते हैं, डिड दे नॉट ईट मैंगोज, डिड दे नॉट ईट मैंगोज, इसे जब हमें चेंज करना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंगोज। तो इसे जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्लूरल बनेगा, जब प्लूरल बनेगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वेयर। तो ये लगा दिएगा वेयर। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मैंगोज, निगेटिव है, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई।
अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस बाई देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ। इसके बाद देखते हैं अगर यही सेंटेंस हमारे सेकंड टाइप के हो जाएं तो उन्हें कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे सेकंड टाइप वाले में क्या करते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, हल्का से केवल अंतर होता है कि जैसे इसमें हम शुरुआत करते थे हेल्पिंग वर्ब से, तो सेकंड टाइप की शुरुआत हमारी क्वेश्चन वर्ड से होगी, तो हमें भी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड पाएंगे कहाँ, जो हमारा एक्टिव में रहेगा उसी को हम नीचे पैसों में कॉपी कर लेंगे। तो देखिए जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड, बाकी फिर पूरा सेम वही स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे देखते हैं व्हाई डिड सी नॉट वॉश हर क्लॉथ्स, ये जैसे है व्हाई डिड सी नॉट वॉश हर क्लॉथ्स, तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो एक्टू में है उसी को हम नीचे कॉपी कर लेंगे, तो एक्टू में है व्हाई, इसे को सीधे रख देंगे व्हाई। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के देख लेंगे सिंगुलर बनेगा या प्लूरल, तो हर क्लॉथ्स या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगाएंगे, तो प्लूरल है तो वेयर, व्हाई वेयर। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे हर क्लॉथ्स, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे सी है, सी का कर्म कारक हर, ये हो गया। आगे जैसे देखते हैं Why did father not read newspaper? Why did father not read newspaper? जब इसे करेंगे तो इसमें why है, why को ही हम नीचे रख देंगे why। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के देखेंगे सिंगुलर बनेगा या प्लूरल, तो newspaper है सिंगुलर बनेगा, क्या लगा देंगे watch। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे न्यूज पेपर, निगेटिव है तो not लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म वही होती है, स्पेलिंग वही होती है, केवल उच्चारण बस चेंज हो जाता है रेड, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई फादर। इसमें क्या होता है, हु वाले अगर आते हैं तो हु वालों का स्ट्रक्चर पहले ही बताया गया है बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर हु से वाक्य की शुरुआत होती है तो। जैसे कह दिया जाए हु एट द मैं, तो उसे जब हमें चेंज करना है तो इसका क्या हो जाएगा, हु के जगह पर लगाएंगे बाई हुम, बाई हुम। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, नया जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंगो है सिंगुलर है तो बाई हुम वाज। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे द मैंगो, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एट की थर्ड फॉर्म ईटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।